नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है देवकी नंदन खत्री कृत उपन्यास चंद्रकांता संतति, खंड 3, भाग 9, बयान 2। अय्यारों को, जो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के साथ थे, बाग के चौथे दर्जे की देव मंदिर में आने जाने का रास्ता बताकर कमलनी ने तेज सिंह को रोहतासगढ़ जाने के लिए कहा और बाकी अय्यारों को अलग अलग काम सुपुर्द करके दूसरी तरफ विदा किया। इस बाग के चौथे दर्जे की इमारत का हाल हम ऊपर लिख आए हैं और यह भी लिख आए हैं कि वहाँ असली फूल पत्तों का नाम निशान भी न था। यहाँ की ऐसी अवस्था देखकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने कमलनी से पूछा, राजा गोपाल सिंह ने कहा था कि चौथे दर्जे में मेवे बहुतायत से हैं, खाने पीने की तकलीफ ना होगी, मगर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम लोगों को यहाँ कई दिनों तक रहना होगा, कैसे काम चलेगा? इसके जवाब में कमलनी ने कहा, आपका कहना ठीक है और राजा गोपाल सिंह ने भी गलत नहीं कहा। यहाँ मेवों के पेड़ नहीं हैं, मगर हाथ का इशारा करके उस तरफ थोड़ी सी जमीन मजबूत चार दीवारी से घिरी हुई है, जिसे आप मेवों का बाग कह सकते हैं। उसको कोई सींचता या दुरुस्त नहीं करता है। बाहर से एक नहर दीवार तोड़कर उसके अंदर पहुँचाई गई है और उसी की तरावट से वह बाग सूखने नहीं पाता। कई पेड़ पुराने होकर मर जाते हैं और कई नए पैदा होते रहते हैं। इस तिलिस्मी बाग का राजा 10-15 वर्ष पीछे कभी उसकी सफाई करा दिया करता है। मैं वहां जाने का रास्ता आपको बता दूंगी। अय्यारों को विदा करने के बाद कमलनी भी लाडली को लेकर दोनों कुमारों से यह कहकर विदा हुई, कई जरूरी कामों को पूरा करने के लिए मैं जाती हूँ, परसों यहाँ आऊँगी। 3 दिन तक कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह देव मंदिर में रहे। जब आवश्यकता होती मेवों वाले बाग में चले जाते और पेट भरकर फिर उसी देव मंदिर में चले आते। इस बीच में दोनों भाइयों ने मिलकर रिक्त ग्रंथ खून से लिखी किताब भी पढ़ डाली, मगर रिक्त ग्रंथ में जो भी बातें लिखी थी वे सब की सब बखूबी समझ में ना आई, क्योंकि उसमें बहुत से शब्द इशारे के तौर पर लिखे थे जिनका भेद जाने बिना असल बात का पता लगाना बहुत ही कठिन था। तथापि तिलिस्म के कई भेदों और रास्तों का पता उन दोनों को मालूम हो गया और बाकी के विषय में निश्चय किया कि कमलनी से मुलाकात होने पर उन शब्दों का अर्थ पूछेंगे जिनके जाने बिना कोई काम नहीं चलता। यद्यपि कुंवर इंद्रजीत सिंह किशोरी के लिए और आनंद सिंह कामनी के लिए बेचैन हो रहे थे, मगर कमलनी और लाडली की भोली सूरत के साथ साथ उनके एहसानों ने भी दोनों कुमारों के दिलों को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। फिर भी किशोरी और कामनी की मोहब्बत के ख्याल से दोनों कुमार अपने दिलों को कोशिश के साथ दबाए जाते थे। दोनों कुमारों को देव मंदिर में टिके हुए आज 3रा दिन है। ओढ़ने और बिछाने का कोई सामान न होने पर भी उन दोनों को किसी तरह की तकलीफ नहीं मालूम होती। रात आधी से ज़्यादा जा चुकी है। तिलिस्मी बाग के दूसरे दर्जे से होती और वहाँ के खुशबूदार फूलों से बसी हुई मंद चलने वाली हवा ने नर्म थपकियाँ लगा लगा कर दोनों नौजवान सुंदर और सुकुमार कुमारों को सुला दिया है। ताजुब नहीं कि दिन रात ध्यान बने रहने के कारण दोनों कुमार इस समय स्वप्न में भी अपनी अपनी मासुकाओं से लाड़ प्यार की बातें कर रहे हों और उन्हें इस बात का गुमान भी ना हो कि पलक उठते ही रंग बदल जाएगा और नर्म कलाइयों का आनंद लेने वाला हाथ सिर तक पहुंचने का उद्योग करेगा। एकाएक घड़घड़ाहट की आवाज़ ने दोनों को जगा दिया। वे चौंक कर उठ बैठे और ताजुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने और सोचने लगे कि यह आवाज़ कहां से आ रही है। ज़्यादा ध्यान देने पर भी यह निश्चय ना हो सका कि आवाज़ किस चीज़ की है। हाँ, इतनी बात मालूम हो गई कि देव मंदिर के पूरब तरफ वाले मकान के अंदर से यह आवाज़ आ रही है। दोनों राजकुमारों को देव मंदिर से नीचे उतरकर उस मकान के पास जाना उचित मालूम ना हुआ, इसलिए वे देव मंदिर की छत पर चढ़ गए और गौर से उस तरफ देखने लगे। आधे घंटे तक वह आवाज़ एक रंग से बराबर आती रही और इसके बाद धीरे धीरे कम होकर बंद हो गई। उस समय दरवाज़ा खोलकर अंदर से आता हुआ एक आदमी उन्हें दिखाई पड़ा। वह आदमी धीरे धीरे देव मंदिर के पास आया और थोड़ी देर तक खड़ा रहकर उस कुएं की तरफ लौटा जो पूरब की तरफ वाले मकान के साथ और उससे थोड़ी ही दूर पर था।
कुएं के पास पहुंचकर थोड़ी देर तक वहां भी खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ा। यहां तक कि घूमता फिरता छोटे छोटे मकानों की आड़ में जाकर वह न जाने कहां नज़रों से उछल हो गया। और इसके थोड़ी ही देर बाद उस तरफ एक कमसिन औरत के रोने की आवाज़ आई। इंद्रजीत सिंह, जिस तौर से यह आदमी इस चौथे दर्जे में आया है वह बेशक ताजुब की बात है। आनंद सिंह, जिस पर इस रोने की आवाज़ ने और भी ताजुब में डाल दिया है, मुझे आज्ञा हो तो जाकर देखूं कि क्या मामला है। इंद्रजीत सिंह, जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर खैर तुम इसी जगह ठहरो, मैं जाता हूँ। आनंद सिंह, यदि ऐसा ही है तो चलिए हम दोनों आदमी चलें। इंद्रजीत सिंह, नहीं, एक आदमी का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, खैर तुम ही जाओ, कोई हर्ज नहीं, मगर तलवार लेते जाओ। दोनों भाई छत के नीचे उतर आए। आनंद सिंह ने खूंटी से लटकती हुई अपनी तलवार ले ली और कमरे के बीचों बीच वाले गोल खम्भे के पास पहुँचे। हम ऊपर लिख आए हैं कि उस खम्भे में तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थी। आनंद सिंह ने एक मूरत पर हाथ रखकर जोर से दबाया, साथ ही एक छोटी सी खिड़की अंदर जाने के लिए दिखाई दी। छोटे कुमार उसी खिड़की की राह उस गोल खम्भे के अंदर घुस गए और थोड़ी ही देर बाद उस नकली बाग में दिखाई देने लगे। खम्भे के अंदर रास्ता कैसा था और वह नकली बाग के पास क्यों कर पहुँचे, इसका हाल आगे चलकर दूसरी दफ़े किसी और के आने या जाने के समय बयान करेंगे। यह मुख्तसर ही में लिखकर मतलब पूरा करते हैं। आनंद सिंह भी उस तरफ गए जिधर वह आदमी गया था या जिधर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई थी। घूमते फिरते एक छोटे मकान के आगे पहुँचे जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ औरत तो कोई दिखाई न दी, मगर उस आदमी को दरवाजे पर खड़े हुए जरूर पाया। आनंद सिंह को देखते ही वह आदमी झट मकान के अंदर घुस गया और कुमार भी तेजी के साथ उसका पीछा किए बेखौफ मकान के अंदर चले गए। वह मकान दो मंजिल का था। उसके अंदर छोटी छोटी कई कोठरियाँ थीं और हर एक कोठरी में दो दो दरवाजे थे, जिससे आदमी एक कोठरी के अंदर जाकर कुल कोठरियों की सैर कर सकता था। यद्यपि कुमार तेजी के साथ पीछा किए हुए चले गए, मगर वह आदमी एक कोठरी के अंदर जाने के बाद कई कोठरियों में घूम फिरकर कहीं गायब हो गया। रात का समय था और मकान के अंदर तथा कोठरियों में बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था। ऐसी अवस्था में कोठरियों के अंदर घूम घूम कर उस आदमी का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। दूसरे इसका भी शक था कि वह कहीं हमारा दुश्मन ना हो। लाचार होकर कुमार वहाँ से लौटे, मगर मकान के बाहर न निकल सके क्योंकि वह दरवाज़ा बंद हो गया था जिसकी राह से कुमार मकान के अंदर घुसे थे। कुमार ने दरवाज़ा उतारने का भी उद्योग किया, मगर उसकी मजबूती के आगे कुछ बस न चला। आखिर दुखी होकर फिर मकान के अंदर घुसे और एक कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद ऊपर की छत पर से फिर किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। गौर करने से कुमार को मालूम हुआ कि यह बेशक उसी औरत की आवाज़ है जिसे सुनकर यहाँ तक आए थे। उस आवाज़ की सीध पर कुमार ने ऊपर की दूसरी मंजिल पर जाने का इरादा किया, मगर सीढ़ियों का पता न लगा। इस समय कुमार का दिल कैसा बेचैन था यह वही जानते होंगे। हमारे पाठकों में भी जो दिलेर और बहादुर होंगे वह उनके दिल की हालत कुछ समझ सकेंगे। बेचारे आनंद सिंह हर तरह से उद्योग करके रह गए पर कुछ भी ना बन पड़ा। ना तो वे उस आदमी का पता लगा सकते थे जिसके पीछे पीछे मकान के अंदर घुसे थे, ना उस औरत का हाल मालूम कर सकते थे जिसके रोने की आवाज़ से दिल बेताब हो रहा था, और ना उस मकान ही से बाहर होकर अपने भाई इंद्रजीत सिंह को इन सब बातों की खबर कर सकते थे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सिवाय चुपचाप खड़े रहने या बैठ जाने के और कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो कुछ रात थी खड़े खड़े बीत गई। सुबह की सफेदी ने जिधर से रास्ता पाया मकान के अंदर घुसकर उजाला कर दिया, जिससे कुंवर आनंद सिंह को वहाँ की हर एक चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी। एकाएक पीछे की तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कुमार के कान में पड़ी। कुमार ने घूमकर देखा तो एक कोठरी का दरवाज़ा जो इसके पहले बंद था खुला हुआ पाया। वे बेधड़क उसके अंदर घुस गए और वहाँ ऊपर की तरफ गई हुई छोटी छोटी खूबसूरत सीढ़ियाँ देखी। धड़धड़ाते हुए दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और हर तरफ गौर करके देखने लगे। इस मंजिल में 12 कोठरियाँ एक ही रंग ढंग की देखने में आईं।
हर एक कोठरी में दो दरवाजे थे। एक दरवाजा कोठरी के अंदर घुसने के लिए और दूसरा अंदर की तरफ से दूसरी कोठरी में जाने के लिए था। इस तरह किसी एक कोठरी के अंदर घुसकर कुल कोठरियों में आदमी घूम आ सकता था। धीरे धीरे अच्छी तरह उजाला हो गया और वहाँ की हर एक चीज़ बखूबी देखने का मौका कुमार को मिला। छोटे कुमार एक कोठरी के अंदर घुसे और देखा कि वहाँ सिवाय एक चबूतरे के और कुछ भी नहीं है। यह चबूतरा स्याह पत्थर का बना हुआ था और उसके ऊपर एक कमान और 5 तीर रखे हुए थे। कुमार ने तीर और कमान पर हाथ रखा, मालूम हुआ कि सब पत्थर का बना हुआ है और किसी काम में आने योग्य नहीं है। दूसरे दरवाजे से दूसरी कोठरी में घुसे तो वहाँ एक लाश पड़ी देखी, जिसका कटा हुआ सिर पास ही पड़ा हुआ था और वह लाश भी पत्थर ही की थी। उसे अच्छी तरह देखभाल कर तीसरी कोठरी में पहुँचे। इसके चारों तरफ दीवार में कई खूंटियाँ थीं और हर एक खूंटी से एक एक नंगी तलवार लटक रही थी। ये तलवारें नकली ना थीं बल्कि असली लोहे की थी, मगर हर एक पर जंग चढ़ा हुआ था। जब चौथी कोठरी में पहुँची तो वहाँ चांदी के सिंहासन पर बैठी हुई एक मूरत दिखाई पड़ी। वह मूरत किसी प्रकार की धातु की बहुत ही खूबसूरत और ठीक ठीक बनी हुई थी, जिसे देखने के साथ ही कुमार ने पहचान लिया कि यह माया रानी की छोटी बहन लाडली की मूरत है। कुमार मोहब्बत भरी निगाहें उस मूरत पर डालने लगे। निराली जगह अपने मासूक को देखने का उन्हें अच्छा मौका मिला, यद्यपि वह मासूक असली नहीं बल्कि केवल उसकी एक छवि मात्र थी। तथापि इस सबब से कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी ना था जिसका लिहाज या ख्याल होता, उन्हें एक निराले ढंग की खुशी हुई और वे देर तक उसके हर एक अंग की खूबसूरती को देखते रहे। इसी बीच बगल वाली कोठरी में से एकाएक एक खटके की आवाज़ आई। कुमार चौंक पड़े और यह सोचते हुए उस कोठरी की तरफ बढ़े कि शायद वह आदमी उसमें मिले जिसके पीछे पीछे इस मकान के अंदर आए हैं, मगर इस कोठरी में भी किसी की सूरत दिखाई ना दी। इस कोठरी में जिसमें कुमार पहुँचे हैं चांदी का केवल एक संदूक था, जिसके बीच में हाथ डालने के लायक एक छेद भी बना हुआ था और छेद के ऊपर सुनहले हरफों में यह लिखा हुआ था, इस छेद में हाथ डाल के देखो क्या अनूठी चीज है। कुमार आनंद सिंह ने बिना सोचे विचारे उस छेद में हाथ डाल दिया, मगर फिर हाथ निकाल न सके। संदूक के अंदर हाथ जाते ही मानो लोहे की हथकड़ी पड़ गई, जो किसी तरह हाथ बाहर निकालने की इजाज़त नहीं देती थी। कुमार ने झुककर संदूक के नीचे की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि संदूक जमीन से अलग नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह खिसका भी नहीं सकते थे।